हाँ कर देंगे, आपका क्वेश्चन कर देंगे। तो शुरू करें, ऑनलाइन वाले भी चालू हो गए। कमर सीधी कर ले, सबसे पहले गुरु वंदना से करेंगे, क्योंकि गुरु ही एक हमारा एक ऐसा माध्यम है जो हमें ऊंचे शिखर तक पहुंचा सकते हैं। दोनों हाथ गोद में रख लें, कमर गर्दन सीधी कर लें, आंखें बंद, एक बार ओम का उच्चारण, गहरी सांस लें। ओम अखंड मंडलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आंखें खोल ले, कल तक हमने पढ़ा था सुजोग के बारे में, सारे प्लॉटिंग वगैरह क्लियर हो गया सबका, ठीक है। कुछ बीमारियां भी हमने कल बता दिया था, ठीक है, और कुछ कुछ बीमारियां उससे जो आप, वैसे तो अगर आप उसको डीपली देखें सारे लोकेशन आपको पता है, और उस ऑर्गन की बीमारियां भी आप उसी लोकेशन पे कर सकते हैं, फिर भी आपके मन में जो जिज्ञासा है कि इस बीमारी में क्या करें, आप इसमें आप क्लियर कर सकते हैं अभी, है ना। पहले सेशन में पूरे सुजोग थेरेपी को क्लियर कर देंगे अभी, उसमें जो जो भी डिजीज आते हैं आप अपने पूरे क्लियर करना, पूछना, मैं बता दूंगा, है ना। वैसे आप उसमें अगर आप अच्छे से देखोगे तो अपने आप वो क्लियर हो जाएगा, आप बीमारियां जैसे करने लगोगे ना तो इलाज हो जाएगा। एक छूट गया था हमारा, जो इंसेक्ट कोरेस्पोंडेंस था, एक उंगली में पूरे बॉडी का, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। उस जो स्टैंडर्ड कोरेस्पोंडेंस है, पूरे हथेली में जो देखे थे हमने, स्टैंडर्ड कोरेस्पोंडेंस है, उस कोरेस्पोंडेंस के अलावा एक इंसेक्ट कोरेस्पोंडेंस है, कीट सादृश्य पद्धति, ये भी काफी प्रभावशाली है, ठीक है। हाँ, एक बात मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ। सबसे पहले मैंने एक्यूप्रेशर सीखा क्यों, आपने डॉक्टर अमृतलाल जी को तो जानते हैं, वो हमारे प्राइमरी टीचर होते हैं, प्राथमिक गुरु, वो मेरे प्राथमिक गुरु हैं, ठीक। उनके प्रेरणा से मैंने सीखा था। एक बार क्या हुआ, जब पहली बार मैं हरिद्वार गया था तो वहां पे मुझे ये चीजों के बारे में पता नहीं था, जैसे किसी आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को ऐसी चीजें पता नहीं होती है ना, तो मुझे कुछ भी नहीं, मैं 2008 में गया था वो समय, तो पता ही नहीं था। जब मैं थेरेपी सेक्शन पे गया तो देखा कि एक फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट आया था। फ्रोजन शोल्डर जानते हैं ना, मतलब कि शोल्डर को फ्रिज में रख दो 2-4 दिन तो कैसे जाम हो जाएगा, बर्फ की तरह जम जाएगा, है ना, ऐसे शोल्डर फ्रीज हो जाता है ना, बिल्कुल जाम, हिलना डुलना बंद, हाथ इतना तक उठेगा, उस व्यक्ति का इतना हाथ उठता था, 10 साल से फ्रोजन शोल्डर था, इतना हाथ उठता था, उठता ही नहीं था आगे, ठीक है। तो अमृताल सर ने केवल एक पॉइंट पे, जैसे आपके पास प्रोब है ना जिमी, बस उस प्रोब को चलाया और विद इन 15-20 सेकंड में उसने पूरा हाथ उठा दिया। आश्चर्य की बात है ना, ये चमत्कार नहीं है, एक साइंस है, ठीक है। ऐसा चमत्कार नहीं होता, बिना साइंस के चमत्कार होता ही नहीं है, है ना, रियली तो, ठीक। जादू वगैरह जो है वो अलग बात है, नजरबंद है, वो जो नहीं होता वो दिखता है ना, लेकिन जो होता है और दिखता है वो चमत्कार नहीं, साइंस होता है, ठीक है। तो वो पॉइंट आप जानना चाहेंगे कौन सा है, हाँ ठीक है। सब अपनी उंगली को ऐसे करें और इंडेक्स फिंगर निकाले, इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट या राइट कोई सा भी हो, इंडेक्स फिंगर लेफ्ट, सब लोग निकाले तो आसानी होगी समझने के लिए, ठीक है। आपकी ये कल पढ़ाया था गर्दन है,
ये सिर है, ये गर्दन है, ये डायफ्राम लाइन है, ये छाती है और ये एब्डोमेन। ठीक, हाथ और पैर आपका साइड में रहेंगे। ठीक, ये पॉइंट होता है आपके, आपकी माइक को नीचे कर दे क्या, इसमें दिख रहे हैं ना। ठीक, ये पॉइंट होता है लिटिल फिंगर साइड में, साइड में हाथ और पैर कल बताया था, जस्ट यहां पे हल्का सा पीछे, इन और यांग बॉर्डर जानते हैं ना, इन और यांग बॉर्डर के हल्का सा बैक साइड टच करता हुआ। ठीक है, ये वो पॉइंट है जो फ्रोजन शोल्डर के लिए काम करता है। एक आप प्रोब है जो मोटा साइड है ना, जिस तरफ मोटा है पतले की तरफ कम यूज करना है, ये जो काफी नुकीला है पतले साइड में, जो पतला वाला है ना नोक, पतले नोक का उपयोग कम करना। ठीक है, बता रहा हूं। ठीक है, ये दिख रहे हैं सबको, अभी फिगर बना के क्लियर कर देंगे ना। ठीक है, ये पॉइंट है, अभी बता दूंगा आप उसकी करें, बस मैं बता दूंगा अभी, है ना, पूरा ग्राफ में बता दूंगा। ठीक है, इस पॉइंट पे उन्होंने ऐसे वो नोक का भी उपयोग नहीं किए थे, बस जिमी को ऐसे पकड़ा, मैं जिमी निकाल के बता दूं, जिमी को ऐसे पकड़ा और ये यहां से घुमाए, ऐसे घुमाते ऊपर ले गए, तीन चार बार ऐसे ऊपर ले गए, फिर व्यक्ति पूरा हाथ खड़ा कर दिया। तब से मुझे इसमें इंटरेस्ट जगने लगा कि मैं शुरू से ही लगभग सन 2000 से मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूं, 20 साल लगभग, कितना हो गया, 21 साल हो गया, एक भी मेडिसिन अब तक नहीं लिया मैंने, भगवान करे आगे भी मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो माइंड में मेरा ये खोज रहता था कि मैं बिना मेडिसिन के लोगों को या मैं खुद को, पहले तो मैंने खुद को कैसे रिपेयर कर सकूं, इसमें खोज चलता था सन 2000 से, है ना। अब उसके बाद फिर इस खोज के चलते चलते मैं हरिद्वार तक पहुंच गया, वहां से फिर ये सिलसिला चलने लगी। और मैं, मुझे बहुत कुछ, जब आपके माइंड में कुछ खोज चलती है ना, सारे ऐसे विचार आपके पास आपके सहयोग करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, आप एक पॉजिटिव सोच रखना, वो पॉजिटिव विचार आपके पास आके फिर वो उसको आगे फोर्स डालते हैं। ठीक है, तो उसी सिलसिला में ये मुझे मिला एक्यूप्रेशर का, और बहुत सारे अल्टरनेटिव थेरेपी का ये सारी चीजें मिलने लगी। तो फिर मुझे अच्छा लगा कि नहीं, बिना मेडिसिन के भी कोई ऐसा स्वस्थ रह सकता है, भगवान ने जो शरीर दिया है दवाई के लिए थोड़े दिया है, हमारे शरीर में भी ऐसे सिस्टम दिए हैं जो आप खुद हैंडल कर सकते हो, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम इसको और क्लियर करते हैं, कल जो अधूरा छोड़ दिए थे उसको क्लियर कर देते हैं, फिर आपको ये सारी चीजें जो आपके फ्रोजन शोल्डर है, बाकी चीजें भी सब क्लियर हो जाएगी। ठीक है, माइक को यहाँ पे लगा दे, ये वाला इसको यहाँ पे लगा दे, ग्राफ बना दे। मैं केवल एक फिंगर बना रहा हूं, है ना, ध्यान रख। आपको दिख रहा है ना तिरछा, क्लियर है, तिरछा में हो सकता है क्लियर ना हो, तो आप पीछे साइड में बैठेंगे तो अच्छा दिख जाएगा। ठीक, इंडेक्स फिंगर में कितने जॉइंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। ठीक, तो इसको हम तीन भागों में बांट देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें भी वैसे आपको ये वाला सेक्शन तो पूरा हो गया था कल, हेड वाला सेक्शन पूरा हो गया था, आपका कान यहाँ पे हो जाएगा, आपके पूरे सेक्शन बना ले, जैसे थंब में बनाए थे उसमें टाइम नहीं लेना हमें, ये वाला सेक्शन पूरा हो गया था लंग्स और हार्ट का। ठीक, अब बचा था ये वाला सेक्शन। ठीक है, इसमें आपका एक चीज ध्यान रखना, अपने बॉडी को कोरेस्पोंडेंस में उतारने के लिए आपको
सबसे पहले ये हेड को ऊपर रखना है, जिसमें अगर स्टैंडर्ड कोरेस्पोंडेंस आप कर रहे हैं तो थंब को ऊपर करना या नीचे करना, और इंसेक्ट कोरेस्पोंडेंस करेंगे तो ये ऊपर रहना चाहिए हेड, ठीक है, ये हेड है ऊपर होना चाहिए, ठीक, ये कमर का हिस्सा नीचे ले, है ना, आगे समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको लेफ्ट और राइट देखना है, अगर राइट हैंड में कर रहे हैं तो ऐसे रखना है, फ्रंट को सामने रखना है, ऐसे देखोगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए आप सारा ट्रीटमेंट बेकार हो जाएगा, ठीक है। हाथ, दोनों हाथ में कोई सा भी हाथ का कोरेस्पोंडेंस देखें तो सामने वाले बॉडी को सामने वाले फिंगर से मिलाना है, ऐसे ऐसे रखोगे, आमने सामने रखोगे तो जस्ट ऑपोजिट, ठीक है, ये भूल नहीं करना, नहीं तो फिर आपके ट्रीटमेंट सारा बेकार हो जाएगा। इस प्रकार से रखने, अपने हाथ को रखें, हाँ फिर वही गलती करें मैम आप, ऐसे रखना, सामने दिखाना है ना। अब इसमें लेफ्ट और राइट मिड लाइन एक लाइन खींचना है, लेफ्ट और राइट ये डिवाइड कर देना, एक उंगली में करें अभी, है ना, लेफ्ट और राइट, इसमें अपना लेफ्ट कौन सा है, लेफ्ट हैंड में इंडेक्स फिंगर में लेफ्ट साइड का बॉडी पार्ट्स किस में करेंगे, लिटिल फिंगर साइड में, छोटी उंगली तरफ, ठीक है, क्लियर है, और राइट साइड का थंब साइड में, ठीक, राइट हैंड में कैसे करेंगे, ये अपोजिट साइड का है, ये सेम साइड का, क्लियर है, ठीक। अब हम इसमें आपकी इंटेस्टाइन और जो लीवर है, स्टमक है, स्प्लीन है, गाल ब्लैडर है, इसका लोकेशन आपको इसमें प्लॉटिंग करना है। आपका ये बॉडी पार्ट्स में क्या क्या कहाँ कहाँ है ये तो पता है, पता है ना, लीवर राइट साइड में है, स्प्लीन, ये सारी चीजें, इंटेस्टाइन सारा, स्टमक है, गाल ब्लैडर है, पूरा पता है, किडनी वगैरह सारा पता है, ठीक है। अब हम अपेंडिक्स कहाँ पे होता है, राइट, क्लियर कर, राइट होता है लेफ्ट, राइट, क्लियर है, ठीक है, राइट साइड में, अच्छा इसमें मैं थंब बना लेता हूं तो वो पता चल जाएगा थंब किधर है ना, ये थंब है, ठीक है, थंब साइड में ये कौन सा फिंगर हुआ फिर, कौन से हाथ का, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी अभी क्लियर हो जाएगा, आवाज नहीं, अब ये मेरे हाथ देख रहे हैं, ये थंब इधर है इसका, ओके, ये कौन सा हुआ, इंडेक्स फिंगर, कौन सा हाथ है, लेफ्ट है, राइट कहां से हुआ, आप उल्टा देख रहे हैं ना, मैं ये थंब सामने दिखा रहा हूं, आप अगर उधर मुंह करेंगे ना तो ऐसे होगा, ठीक है, आप खुद देखोगे अपने को तो ऐसे नहीं देखना, ऐसे मैं तो आपको दिखा रहा हूं ना, इसलिए ऐसा, ये ऐसा है, हाँ आवाज नहीं करेंगे ना मैडम, आपस में बातें करेंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे ना, और आप तो ठीक है डिस्टर्ब होंगे, आसपास के लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए मुंह जरूर बंद रखना है ना। पहले मैं क्लियर कर लूं, क्वेश्चन होगा तो बाद में लेंगे, है ना, बीच में अगर क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, ठीक, मेरा भी और शायद आपका भी हो सकता है, क्लियर है। अब ये यहाँ पे नाखून नहीं है, यानी कि फ्रंट साइड का है, यहाँ पे नाखून बना हुआ है, दिख रहा है सबको वहां तक, ये बैक साइड का है, ठीक है। अब इसमें अपेंडिक्स राइट साइड में होता है, लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में राइट साइड किधर होगा, थंब साइड में, लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में राइट साइड में अपेंडिक्स होगा, यानी कि यहां पे अपेंडिक्स होगा, ठीक है, है ना, अपेंडिक्स यहां पे होगा, आगे समझ में। अब यहां से बढ़िया शुरू होगी, ठीक है, सॉरी ये बढ़िया पूरे तक नहीं जाएगा, इसमें लिवर और गाल ब्लैडर ये सारे कवर करना है, तो ये यहाँ पे इसका यहाँ इतना सेक्शन लेना है, ठीक है, यहाँ पहले लिवर बनना है, लिवर राइट साइड में होता है, लिवर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा,
क्लियर है? गॉल ब्लैडर कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है। स्टमक कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये स्टमक का ये पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये छोटी आंत में जाके ये पूरे राउंड में घूमेगा। बड़ी आंत आपका कहाँ से शुरू होगा? बड़ी आंत आपका यहां से शुरू होगा। ये यहाँ पे स्प्लीन होता है, ठीक है। इस किनारे में स्प्लीन का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका हार्ट है, ये लंग्स है, ठीक है। आगे समझ में? ये स्प्लीन है, यहाँ पे आपका चित्र पे थोड़ा सा गलती पे ध्यान नहीं देना है ना, बस लोकेशन ध्यान रखना। यहाँ पे आपका अपेंडिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बड़ी आंत शुरू हो जाएगी और ये आपकी यहां से जाएगी, ये आपका, ठीक है। ये और ये छोटी आंत, ये नेवल का पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, ये छोटी आंत इसके अंदर हो जाएगा ना, ये पूरी छोटी आंत हो जाएगी, यहाँ जुड़ता है ना, ठीक है। बड़ी आंत से छोटी आंत यहाँ पे जुड़ती है अपेंडिक्स के जस्ट पास में, फिर यहाँ से ये जाके इस प्रकार से जाती है ना, ठीक है। ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा, पहले भी क्लास में आपको क्लियर कर दिए थे। ये मलाशय है ना। इसमें आपको जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूट्रस ओवरी है, आपको यहाँ पे मिल जाएगी, है ना। ये यूट्रस ओवरी का है और यहाँ पे ये ऐसे है और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा हो जाएगा फ्रंट साइड में, बैक साइड में आपके रेक्टम हो जाएगा, ठीक है, मलाशय। आगे समझ में? इसको प्लॉटिंग तो पता है, बस इसमें आपको पैक करना है, हो गया क्लियर। अब इसमें बैक साइड में आपके क्या होता है? गर्दन, इसमें केवल जॉइंट ही गर्दन है, ठीक है। सात वर्टिब्रा का इसमें आपको और माइनॉरिटी देखना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें उपचार आपके गर्दन का ना करके आप स्टैंडर्ड कोरेस्पोंडेंस पे करना। इसमें मेन मेन जो ट्रीटमेंट है इमरजेंसी के लिए, आप जैसे तुरंत इफेक्ट करता है, जो मैं अपना जो अनुभव बता रहा हूँ, तुरंत जो इफेक्ट करता है आपके हार्ट और लंग्स का, ठीक, पूरे के पूरे एब्डोमेन को कवर करना है, तो छोटा जगह है, चार पांच मेथी दाना लगाए कवर हो जाएगा, ठीक है। एक मेथी दाना लगाए, स्टमक के प्रॉब्लम है, एक मेथी दाना स्टमक में लाल दो, दो दो डाल सकते हो, दो में कवर हो जाएगा। स्प्लिन की प्रॉब्लम है, एक मेथी दाना लो स्प्लिन पे लगा दो, ठीक है। लीवर है, एक दो तीन मेथी दाना लगा लो, कवर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं, इसको और स्टैंडर्ड कोरेस्पोंडेंस दोनों को साथ में कर सकते हो, इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। अगर समझ में? हाँ। अब पूरे आंत इंटेस्टाइन को लेना है। आप बड़ी आंत में जैसे आपको कब्ज की शिकायत वगैरह होती है ना, कब्ज की किस राहत समस्या है बड़ी आंत की? बड़ी आंत की यहाँ पे आप मेथी दाना इस तरीके से बीच बीच में आपको यहाँ तक पूरे कवर कर लेना, ठीक है। पूरे इंटेस्टाइन आपका पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट एक्टिव हो जाएगी और समय समय पे काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। जब इसकी आवश्यकता होगी तब चालू हो जाएगा, ठीक। छोटी आंत का ट्रीटमेंट करना है, बस यहाँ पे चालू करना, ठीक है। अगर समझ में? पाइल्स की कोई प्रॉब्लम होती है रेक्टम पे, ठीक है, स्टैंडर्ड कोरेस्पोंडेंस भी मिक्स कर लेना, स्टैंडर्ड कोरेस्पोंडेंस में आपके यहाँ पे आएगी, ठीक है, फाइल्स के लिए, ठीक है? हाँ बिल्कुल, आपने पढ़ा है ना, तो कल परसों तक सर ने भी काफी अच्छा क्लियर किया आपके। आप फ्रंट साइड में आपका यूरिनरी ब्लैडर है, इसलिए बैक साइड में आप उससे उसके पीछे आपका रेक्टम होता है, मलाशय, मल जहां इकट्ठा होता है, तो आपको उसको आगे से ज्यादा सुविधा होती है बैक साइड से, क्योंकि ये बैक साइड में आपका ये जगह मिल जाता है पाइल्स के लिए। कब्ज के लिए आपको आगे करना है, इंटेस्टाइन आपका आगे मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर पाइल्स होती है, पाइल्स में क्या होते हैं, मस्से निकल आते हैं, सूजन आ जाती है, और भी जो प्रॉब्लम होती है उस
आउटर पार्ट के लिए होती है। तो उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे एक मेथी दाना लगाना है, मेथी को खड़ा करके, या तो चने का प्रयोग भी कर सकते हैं या मूंग दाना या थोड़ा जो आपको लगे वो कर सकते हैं। प्रेशर बनना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि ये दोनों के बीच में आपको यहाँ पे हल्का सा ऊपर, लगभग 1-2 mm ऊपर, ठीक है, आगे समझ में, ये क्लियर, बिटा दूं। इसमें उपचार आपको बता देंगे, है ना, ये समय इसमें इसको माइंड में बिठा दें, ये इंसेक्ट कोरेस्पोंडेंस है, कीट सादृश्य पद्धति, और ये पूरे हथेली वाला स्टैंडर्ड कोरेस्पोंडेंस, ठीक है, ये दोनों का मैं आपको डिजीज के हिसाब से फिर आपको बता दूंगा, ठीक। ऑर्गन प्लॉटिंग पूरा याद हो गया, बैक साइड में पता है आपको इसमें क्या क्या है, बैक साइड में जस्ट नाभि के पीछे क्या होता है, दोनों तरफ किडनी होता है, ठीक है, तो आपका किडनी कहाँ पे होगी इसमें, छाती के पीछे तो किडनी होगी नहीं, कमर के कमर पे ही होगी ना, है ना, जब रिब्स के नीचे यहां से होगी, है ना, किडनी आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आगे साइड में ब्लैडर होगी, ठीक है, यहाँ पे आपका स्पाइन हो जाएगा, थोरेसिक रीजन का, ये यहाँ से लेकर लंबर रीजन तक का हो जाएगा, है ना, अरे क्लियर समझ में, स्पाइन पूरे इस यहाँ से यहाँ तक स्पाइन है ना, गर्दन का स्पाइन यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से लगभग ये इस तरह से यहाँ तक है ना, सर्वाइकल रीजन, फिर यहाँ से थोरेसिक का हो जाएगा, फिर लंबर का रीजन हो जाएगा, सेक्रल कॉक्सिक्स यहाँ से हो जाएगी, ठीक है ना, वो स्क्रीन से वो कर दीजिएगा ना, ग्रुप में डाल दिए थे ना आपने, हाँ देख लेना उसमें, है ना, फिगर देख लेना, इसमें क्या बनाऊंगा तो क्लियर फिगर नहीं हो पाएगा, आपको जो ग्राफ मिला हुआ इसमें फोटो कलर फोटो है उसका, एक इंसेक्ट कोरेस्पोंडेंस का मैम ने भेज दिया है आप लोगों को, ग्रुप में भेज दिया था, पहले भेज दिया था कल परसों, उसको देख लेना एक बार, तो स्पाइन क्लियर हो जाएगा, कौन कौन से वर्टिब्रा कहाँ कहाँ है, और अपने बॉडी पार्ट अपने फिंगर में उसी लोकेशन में नाप लेना, बराबर बराबर नाप लेना उससे, वैसा ही के वैसा, और फिर उस लोकेशन पे आप ट्रीटमेंट करना, ठीक है, स्पाइन का इसमें मैं उतना ज्यादा नहीं करता हूँ ट्रीटमेंट, फिंगर में स्टैंडर्ड कोरेस्पोंडेंस बेटर है, जब आप अभी आगे मेरिडियन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको स्पाइन का बता दूंगा, ठीक है, हाँ बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपको बाद में करेंगे, पहले इसको क्लियर कर दे, ये हो गया, मिटा दो, अब हम साइड में देखते हैं इसके जो ज्यादा काम आता है, साइड वाले में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, ध्यान रखना लेफ्ट और राइट का, है ना, तो उसको थोड़ा सा आप, ये क्या है, नाखून है, ठीक है, ये आपका नोज है, ये आपका आंख, ठीक है, ये साइड वाला है ना, ठीक, ये आपका चेस्ट रीजन है, ये थोरेसिक रीजन है ना, ये एब्डोमेन वाला हिस्सा है, साइड से देखना है, अपने उंगली को इस तरीके से देखना है, कैसे देखना है, ऐसे, ये वाला हिस्सा उसी साइड का, जिस हाथ जिस प्रॉब्लम जिस तरफ प्रॉब्लम है उसी हाथ में करेंगे तो ये वाला हिस्सा ज्यादा काम आएगा, इधर वाला थंब साइड का हिस्सा काम नहीं आएगा, अगर आप हाथ पैर का उपचार करें तो छोटी उंगली के साइड का हिस्सा लेंगे, क्लियर है सबको, कोई सिर नीचे करके देख रहे हो, ध्यान लगे इसे एक बार देख लेकर फिर आप अपना काम करना, ये वाला हिस्सा ध्यान रखना है, ये बाएं हाथ है, बाएं हाथ के इंडेक्स फिंगर में अगर उपचार करेंगे हाथ और पैर का
तो बाएं हाथ ऊपर होगा और बाएं पैर नीचे होगा, ठीक है। अब टिड्डा देखे ना, टिड्डा कैसे रहता है, उसका हाथ पैर, ठीक है, बस ऐसे साइड में रहता है, ये हल्का सा पूरा ये और बैंड नहीं है, और ये पूरा बैंड होके यहां से चिपक के रहता है इसमें, और ये पूरा इसमें चिपक के रहता है पूरा, ठीक है। तो इतनी इतनी जगह पे आपको ये कवर करना है साइड में। इन यंग बॉर्डर आपको पता है ना, इन यंग बॉर्डर होता है हमारे फिंगर में भी, ये है इन यंग बॉर्डर, ठीक है, मतलब कि आधा आधा बिल्कुल सेंट्रल लाइन में खींच लेना किनारे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाला हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा शोल्डर का है, ये हिस्सा शोल्डर का है, ये वाला हिस्सा रिस्ट जॉइंट का है, कलाई का। फिंगर आपका यहां पे आ जाएंगे, ठीक है, ये आप यहां पे जाएगी बीच में, ये ऐसे, सॉरी थोड़ा सा चित्र बनाने में थोड़ा सा आपको ये इसमें लोकेशन में आप उसमें फोटो देख लेना और क्लियर हो जाएगा। मैं तो मोटा मोटी इसमें बना दे रहा हूँ जितना हो सकता है ना, हाँ बता रहा हूँ। ये हिस्सा है एल्बो का, ये वाला हिस्सा ये आता है ऐसे, ठीक है, आगे समझ में। शोल्डर यहां से, एल्बो यहां पे, रिस्ट यहां पे, फिंगर यहां पे, हथेली यहां पे, आगे समझ में। हाँ क्या बताऊं वापस, ये वाला फिंगर, ठीक है, क्लियर है सबको। ये अंदर की तरफ होता है, ये जो ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ है, ये बता रहा हूं, छोटी उंगली की साइड है ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये फिंगर ऐसा है मेरा, आ रहा समझ में, नाखून इधर बना होता तो ऐसा होता, ये ऐसा है, ये लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर है, समझ में, ऐसा है ना, नाखून के साइड में, समझ में आ रहा ना, ठीक। शोल्डर यहां हो गया, एल्बो समझ में आ गया, एल्बो कहां पे है, इस जो मिडिल जॉइंट के, मिडिल जॉइंट है लाइन है, मिडिल जॉइंट का लाइन उस जॉइंट से लगा हुआ ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके नीचे वाले हिस्से में नी जॉइंट होगा, ठीक है, देखो अभी पूरा ये शोल्डर है, रिस्ट, एल्बो, फिंगर यहां से शुरू हुआ, ये रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, क्लियर है सबको। अब हम क्या करने हैं, अभी अब हम जाते हैं नीचे वाले हिस्से में, ये वाला क्या है, हिप जॉइंट, ये थाइस है, ये आपका जाएगा, है ना, एंकल जॉइंट, आपका पैर आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ये एंकल जॉइंट हो जाएगा, आगे समझ में। हाँ बिल्कुल बता देंगे, अभी अभी क्लियर कर लें पूरा, ऊपर का क्लियर करूं कि नीचे वाला, ये कौन सा है, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, हिप के बाद जस्ट नीचे नीचे आता है ना, उसके बाद एंकल जॉइंट है ना, ये कुल्हे का जोड़ है, घुटना है, टखना, समझ में आ गया सबको। ये तो आपको पहले ही बता दिया था, आंख है ना, ये है सिर का हिस्सा, ये इधर चेहरा, इधर पीछे सिर के, ठीक है, हो गया।
अब मैंने वो शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर के लिए कहाँ पॉइंट लगाना है, अब क्लियर है कहाँ पे लगाना है, पीछे से बताएं भैया, आप बताइए। हाँ हाँ ठीक, नहीं आप नीचे, आपके पीछे वाले कहाँ पे, यहाँ पे, ये सबको क्लियर है, आगे समझ में, ये इतना बड़ा रग रहा है तो इसमें कितने मेथी दाना आएंगे, आपकी उंगली इसके 10 गुना के बराबर भी नहीं है, छोटी सी है ना, यंग में ही होगा, यंग में होगा, मिडिल लाइन है ना ये, है ना, ठीक है। तो मिडिल लाइन के ये जो है, ये मिडिल लाइन के इधर है आपका रिस्ट, उधर है शोल्डर, ठीक है, राइट में जस्ट अपोजिट, ये वाला लेना, ये वाला हिस्सा लेना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक। अरे समझ में नहीं है, किसी को समझ में नहीं है, एक बार दोबारा देख ले, दोनों हाथ दिखा देता हूं, दोनों हाथ का लिटिल फिंगर की तरफ आपको लगाना है, ठीक है, क्लियर है, आ रहे समझ में सबको, है ना, ठीक। अब इसको यही खत्म कर दे, हाँ बिल्कुल ठीक है, और भी उसमें चित्र देखना और लोकेशन अच्छा समझ में आ जाएगा, अभी यहीं से बता रहा हूं तो हो सकता है आपको लोकेशन का थोड़ा इधर उधर हो रहा हो, है ना, श्रेया मैम भी हैं, आपको और भी आगे आपकी क्लियर कर देंगे, उनको पूरा पता है ना, ज्वाइंट देखना, ज्वाइंट एक ही जगह नहीं है, ये एक ही जगह है क्या, ऊपर ऊपर एल्बो है, नीचे नी है, ठीक है, हाँ जॉइंट बॉर्डर, हाँ इन यंग बॉर्डर में है ये वाला, है ना, नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट दोनों इन यंग बॉर्डर में आएगा, है ना, जब हम ऐसे मोड़ते हैं तो ये बीच में आ जाएगा ना, ये थोड़ा साइड साइड में आ जाएगा, है ना, हाँ बताओ, एक लगा लो इंडेक्स फिंगर में, आप करते देखो इंडेक्स, मैंने जो किया है पूरे फिंगर में नहीं लगाया, इंडेक्स फिंगर के इस जगह पे लगा दो, वैसे ये इंडेक्स फिंगर ना हो तो ये कर सकते हो, ये ना हो तो ये कर सकते हो, पूरे फिंगर में है वैसे आपके, चारों फिंगर में है, पैर में भी है, यही वाला है, ठीक है, तो केवल इंडेक्स फिंगर ले लो, कम में काम चल रहा है तो सारे को क्यों उपयोग करें, ठीक है, इंडेक्स फिंगर ना हो तो दूसरे फिंगर ले लो, मिडिल ले लो, लेकिन इंडेक्स ज्यादा अच्छा है, स्टैंडर्ड कोरेस्पोंडेंस को इसमें मिक्स मत करना, ठीक है, आप अगर जो थ्योरी जहां पे है वहां पे उसके उपयोग करें तो ज्यादा बेटर है, अगर आप उस थ्योरी को इसमें मिला लो, उसकी प्लॉटिंग को इसमें मिला लो, तो फिर आप पूरा खिचड़ी बना देंगे और कुछ काम नहीं आएगा, तो इसलिए सबको अलग अलग क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, और इसमें कुछ कोई क्वेश्चन ना, इस साइड का उपयोग बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा हाथ और पैर के लिए, इस साइड का करेंगे, और जाहिर सी बात है कि अगर उंगली है तो दोनों साइड होगा श्योर है ना, तो इसमें तो ऐसा नहीं कि ये उंगली ना हो तो इस साइड का उपयोग करेगा, साइड ही नहीं होगा फिर, उंगली नहीं होगा तो, ठीक है, तो अगर राइट हैंड का करेंगे तो इस साइड में करेंगे, आपके पास फिंगर दूसरे हैं अगर ये फिंगर ना हो तो, लेकिन साइड वही रहेगी, साइड चेंज नहीं करना है, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ठीक, और अब हम आगे देखते हैं कि बस अब आपस में बात ना करके आप कल जो छूटा हुआ था क्वेश्चन, डिजीज क्या क्या बीमारी का, आप जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो अपना सिलेबस का बता सकते हो, या फिर आप जो आपके आसपास देखते हैं उसको भी पूछ सकते हो, ठीक है, हम क्वेश्चन लेंगे, मैं नंबर वाइज बताता जाता हूँ, आज पूरा ये सुजोक थेरेपी जी, आवाजें आ रही है भैया, अब भैया थोड़ा आवाज आ रही है ना, तो मेरे तक आपकी आवाज मेरे तक आएगी तो फिर
आपके आसपास वाले भी डिस्टर्ब होंगे, या तो इतनी दूर तक मेरे तक आवाज आ रहा है तो आपके आसपास वालों को भी आपकी आवाज सुनाई देगी, मेरा नहीं सुन पाएंगे, है ना। तो आप कृपया दूसरों के लिए थोड़ा सा अपने वॉइस को थोड़ा सा अंदर ही अंदर रहने दें, बाहर प्रकट नहीं होने दें, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं डिजीज का, कौन कौन से बीमारी का लेना है। लिख के लाए हैं, ठीक, अच्छी बात है, लिख के लाए हैं तो ये ज्यादा अच्छा है, साइलेंट मूड में हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सर्दी जुकाम के लिए, वैसे जनरली हर मौसम में सर्दी जुकाम एक बार होना अच्छी बात है, गोली खा के दबा देना बहुत बुरी बात है, ये हमारी बीमारियों को जड़ तक और मजबूत करता है। अगर कोई एक एंटीबायोटिक खा लिया तो क्या होता है पता है ना आपको, एंटीबायोटिक खाने का मतलब है एक बम, एंटीबायोटिक मतलब एक बम, साइलेंट बम है, अगर आप मुंह में डाले तो अंदर ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होने के बाद ये नहीं देखेंगे भारत की सैनिक है या पाकिस्तान की है, जो उसके चपेट में आएगा मार डालेगा, एंटीबायोटिक का मतलब है बम। आप भारत पाकिस्तान बॉर्डर में गिरा दें, यानी कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर मतलब हमारे अपने सुरक्षा सेल और बाहर के बैक्टीरिया वायरस, इन दोनों में युद्ध होता है सर्दी जुकाम में, है ना। बाहरी मौसम से अगर हम अटैच में आते हैं तो उसके एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरस वो हमारे अंदर अटैक करते हैं, उसके अगेंस्ट हमारे, उसके विरुद्ध में हमारे जो इम्यूनिटी सेल हैं वो लड़ने के लिए जूझते हैं उससे, उससे क्या होता है हमारे अंदर गर्मी पैदा होती है, उसको क्या बोलते हैं बुखार, ठीक है। कुछ वेस्ट मटेरियल हमारे नाक से निकलते हैं, ठीक है, जैसे आप भारत पाकिस्तान युद्ध वगैरह या कोई भी युद्ध देखते हैं, यहाँ पे जैसे महाराणा प्रताप ने इतना संघर्ष किया, युद्ध देखते हैं तो वहां पे लाशें गिरेंगे, है ना, खून खराबा होगा, बहुत सारे वेस्ट इकट्ठा होंगे, उसको निकालने के लिए हमारा नाक काम करता है। अब हम क्या करते हैं, नाक से निकल रहा है तो हम उसको दबा देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, निकलना साफ होना चाहिए, हम उसको दबाना नहीं है, ठीक है। अब इसमें करते क्या है, एंटीबायोटिक लेने का मतलब है और ज्यादा हम उसको मारते हैं, वहां पे ब्लास्ट करते हैं, उसमें हमारा सुरक्षा तंत्र भी डैमेज हो जाता है। दोबारा अगर सर्दी जुकाम रिटर्न आ गया, बैक्टीरिया वायरस की ज्यादा संख्या, बाहर की संख्या को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी संख्या तो निश्चित लिमिट है ना, अपने बॉडी में सुरक्षा तंत्र है, अगर बम से उसको मार दिए तो हमारे सुरक्षा तंत्र बनने के लिए टाइम लगता है, बाहर तो ऐसे ही भरे पड़े हैं, इसलिए अपने सुरक्षा सेल को मारना नहीं है, ध्यान रखना उसको जीवित करना है, इसलिए आपको नेचुरल एंटीबायोटिक मिल जाते हैं, हल्दी है, बाकी चीजें हैं एंटीबायोटिक के लिए। अब हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर की, में क्या करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड कोरेस्पोंडेंस अब तक आप लोग पढ़े हैं, अब उसमें क्या करना है आपको, सब लोगों का ये है, अच्छा ये ध्यान रखना, इसमें सर्दी जुकाम में क्या क्या दिखते हैं आपको, नाक से पानी आना, नाक से निकल रहा है, यानी कि नाक एक रास्ता है, ये रास्ता कहां तक जा रहा है, गले तक, बस दोनों फेफड़े में जाता है ना, श्वास तो हवा तो फेफड़े में ही जाता है, यानी कि अंदर गड़बड़ है तो नाक में आपके दिख रहा है ना, ओपनिंग केवल नाक में है ना, सिस्टम गड़बड़ है अंदर लंग्स में, ठीक है। तो इसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो जो आपके नाक के रास्ते से जो आपकी निकल रहा है उस रास्ते से आप एनर्जी आप प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है, और दूसरी है आपके फेफड़े को मजबूत करके करा सकते हो। अगर ये जो सर्दी जुकाम है केवल इस रास्ते में भी हो सकता है, जिसके जिसको साइनोसाइटिस वगैरह हो जाती है, या रास्ते में आपकी ये झिल्ली सूज जाता है ना, जिसको ये सेप्टम डेविएट हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो फिर बार बार मौसम में थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, तो आप उस नोज को पकड़ ले, उसके कोरेस्पोंडेंस में एक मेथी दाना लगाना है टिप पे, बिल्कुल सेंटर में, जहां सबसे पहले आपने सिखा था चेहरे का उभरा हुआ भाग, जहां राउंड शेप में बिल्कुल सेंटर में एक मेथी दाना अच्छे से लगा लेना, हल्का सा चुभना चाहिए, मेथी चुभेगा नहीं तो ठीक नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर आप लगा दिया, सर ने बोला था लगा दिया हमने, बस कुछ भी नहीं हुआ, अगर वो लेट जाएगा तो कहां से काम करेगा, उसको एक्टिव रखना है, ठीक है। एक मेथी दाना से आपकी सामान्य सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है, अब तक मैंने जो देखा है, ठीक है। दूसरी बात है, अगर सर्दी जुकाम के साथ सांस भी आपको दिक्कत हो रही है, फेफड़े में बिल्कुल जकड़ गया है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो क्या करना है, आप वहां अंदर तक जाएं, रास्ते की प्रॉब्लम है नाक से ठीक कर सकते हो, अगर आप उसकी वजह से आपके श्वास
प्रॉब्लम आ रही है, गला जाम हो गया है, गला बैठ गया है, तो गले की ट्रीटमेंट करो साथ में। इसके साथ नाक से पानी भी आ रहा है लेकिन गले में खरखराहट की आवाज आ रही है, सूखी खांसी आ रही है, कफ ज्यादा भरा हुआ है, ठीक है, आपकी बातें नहीं कर पा रहे हैं, हॉर्स वॉइस बोलते हैं ना, घोड़े की तरह आवाज जाना, ठीक है, तो आप गले के कोरेस्पोंडेंस में यहाँ पे चेक करना कहाँ पे आ रहा है, उसमें भी आपको 3-4 मेथी दाना थोड़ा सा खड़ा करके अच्छे से गोल वाला लगा देना, ठीक है। और श्वास की तकलीफ होने लगी है, ये तब होता है जब इनको निमोनिया वगैरह की शिकायत हो जाती है, आपके फेफड़ा बिल्कुल वीक हो जाता है, तब ऐसी कंडीशन आ जाती है, तब आप उस फेफड़े तक भी पहुंच जाना। फेफड़े के लिए आपको इस जगह का उपयोग करने से बेटर है, यहाँ कलर का उपयोग कर सकते हो, कलर थेरेपी सर ने बता दिया, कलर का उपयोग कर सकते हो, मैंने आपको दो कलर भी बताया था, और ये से ऑरेंज और रेड कलर का, तो उसमें रेड कलर प्रयोग नहीं करना है। कफ अगर सूख गया है, सूखी खांसी आ रहा है, ऑरेंज कलर लगा देना, बच्चों में ज्यादा बहुत बड़ा इफेक्ट करता है ऑरेंज कलर, जैसे कफ निकल ही नहीं पा रहा है बच्चा, जैसे 1-2 महीने के बच्चे हैं, उसको मेथी तो लगा नहीं पाओगे, डैमेज हो जाएगा स्किन, ठीक है, तो कफ निकल नहीं पा रहा है, तो उसमें क्या करना है आपको, ऑरेंज कलर केवल 2 घंटे के लिए या 1 महीने डेढ़ आधा 1 महीने का है, 15-20 दिन का है, तो आप 1 घंटे के लिए लगा देना, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है घंटे के टाइम बढ़ा देते जाना, ठीक है, फिर धो लेना है ना कलर, अगर ज्यादा देर तक रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी छोटे बच्चों का, लगा सकते हो बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे मेथी दाना लगाने के लिए उतना इफेक्ट नहीं होता, प्रेस नहीं हो पाता क्योंकि सॉफ्ट ज्यादा है ना, तो क्या करना है आपको, इंसेक्ट कोरेस्पोंडेंस लेना है, यहाँ पे आपको मेथी दाना लगा देना, ठीक है, लंग्स कोरेस्पोंडेंस में, तीन इधर लगा देना, पूरे दोनों फेफड़े हैं तो, है ना, इधर भी लगाना है, तीन इधर दोनों हाथ में लगा लेना, ज्यादा अच्छा है, आपके पास दोनों तरफ से ऊर्जा जाएगी, भले इधर से थोड़ा जाएगा लेकिन इधर तो पहुंच ही जाएगा ना, दोनों तरफ लगा लें, दोनों इंडेक्स फिंगर में, बहुत ज्यादा फास्ट काम करेगा, जितने दिन तक आपकी बीमारी ठीक ना हो, ठीक, खांसी हो तब भी यहीं पे लगा सकते हो फेफड़े में, लेकिन खांसी आपकी लोकल प्रॉब्लम हो, श्वास की श्वास से रिलेटेड श्वास जाम हो रहा है या फिर खांसी आ रहा है तो लंग्स पे जाना, अगर गले में थोड़ा सा खिच खिच है और बाहरी मौसम से प्रॉब्लम है तो यही अटका हुआ है, आपकी टॉन्सिल लग रहा है यहाँ पे फुला होगा, टॉन्सिल वो बैक्टीरिया वायरस को रोकता है तो ये फूल जाता है, तो इसलिए ऐसा होता है, तो इसको क्या करना है आपको, यहाँ गले में लगा देना है, बिल्कुल लगा सकते हो, इंडेक्स में गला थोड़ा सा छोटा है ना इसलिए आपको नहीं मिल पाएगा, अंगूठा आपका है ही, ठीक है, हाँ यही, एलर्जी कहाँ पे, स्किन एलर्जी है तो अलग बात है, बाकी श्वास की एलर्जी है तो लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है, छींके आना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक मेथी दाना से छींके ठीक हो जाती है, आप क्या करना, छींके आने के लिए सबसे अच्छा है आयुर्वेदिक मर्म चिकित्सा में भी ये फणा मर्म होता है, फणा मर्म, ठीक है, जिसको हम एडवांस अभी पढ़ेंगे ना मेरिडियन में, शायद आप लोग देखे होंगे मेरिडियन LI 20, लार्ज इंटेस्टाइन का मेरिडियन का लास्ट पॉइंट होता है यहाँ पे किनारे साइड में, इस दोनों जगह पे लगाना, आपके हाथ में कहाँ मिलेगा, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से थोड़ा किनारे किनारे, देखना उसमें कोरेस्पोंडेंस मिल जाएगा, ठीक है, एक तरफ का कोई पार्ट होता तो एक हाथ में लगा लो चल जाएगा, सेंटर में तो दोनों तरफ से एनर्जी फोर्स जाएगी तो जल्दी आराम मिलेगा ना, तो बता इसको पूरा कर ले, थायराइड की समस्या, थायराइड ऑर्गन कहाँ पे है, सिंपल सी बात है ना, लगा देना वहां पे, ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आधा अधूरा काम तो बहुत खराब होता है, फिर दोबारा शुरू होगा, जड़ खत्म होने तक उपचार करना, सिंपल सी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ट्रीटमेंट के क्यों लापरवाही करें, है ना, जब तक बीमारी जड़ से ठीक ना हो जाए तब तक करते रहना, दोबारा करना वापस नहीं होगा, एनर्जी एक बार बैलेंस हो जाएगी ना तो अगर आप उसको मेंटेन रखेंगे तो बैलेंस अनबैलेंस नहीं होगा, देखो आपस में बात ना करें, इधर क्वेश्चन इधर करें, हाँ क्या पूछना है मैम बताइए,
आप उधर करना है ना, आप आपस में बात करेंगे तो आपके साथ साथ सब लोग डिस्टर्ब होंगे। जी बताएं। अस्थमा, बिल्कुल अस्थमा लंग्स में ही होता है ना। आप इसमें स्टैंडर्ड और मिनी इंसेक्ट कोरेस्पोंडेंस दोनों का उपयोग करना। अस्थमा में लंग्स इफेक्टेड होता है, ये ज्यादा काम आएगा, ठीक है। बाकी मेरिडियन में और बता दूंगा मैं आपको। और ये जो सो ज्यादा क्रोनिक डिजीज है ना, इसको अभी इसमें क्लियर नहीं कर पाएंगे, समय हमारा अभाव है ना। तो अगर पूरे जड़ से ठीक करना है तो उसके लिए फिर हम एडवांस का इसमें, और आप ग्रुप में कर लेना, आपके पर्सनल कुछ हो तो उसमें मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा सीधा। हाँ, दोनों कर सकते हो। स्टैंडर्ड में अस्थमा का लंग्स यहाँ पे है तो ये सॉफ्ट ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर डालने के लिए आपको या तो अपने जिम्मे से बार बार प्रेस करना है या तो हाथों में प्रेस करना है। मेथी लगा देंगे तो उतना इफेक्ट यहाँ पे नहीं हो पाता है ना। मैं आपको पॉइंट्स जब ये अभी इसके बाद मेरेडियन बढ़ाऊंगा आपके, उसको प्लॉटिंग हाथों में बता दूंगा, ठीक है। उसमें एक पिन पॉइंट पे उस मेरेडियन को सीख लेना और उसमें लोकेशन देख लेना। आपको चार्ट ग्रुप में भेज दिया है, आपने शायद देखा होगा। एक एक पॉइंट पे ट्रीटमेंट करेंगे ना ज्यादा बेटर होगा। ये तो बहुत बड़ा इलाका है ना, इसमें से भी एक पॉइंट को चूज करना, ठीक है। उसके बाद आपका और क्लियर हो जाएगा, उपचार अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। इसको मैं कर दूं। घुटने का दर्द, सिंपल सी बात है मैम, घुटने का दर्द तो आप सबको पता है, कर सकते हैं ना। घुटने का दर्द अब तो अपने आप को भरोसा तो हो ही गया होगा, घुटने का दर्द कहाँ पे करना है उपचार? पैर में, कहाँ पे? मिडिल फिंगर के? नहीं, वो पेट, डायफ्राम है ये मैम, ये साइड में होगा। इंसेक्ट में, इंसेक्ट करके साइड में होगा है ना, जॉइंट से हल्का सा नीचे, ठीक है, लगा हुआ। और फिर स्टैंडर्ड कोरेस्पोंडेंस में पैर के मिडिल फिंगर जाना है, मिडिल जॉइंट पे एक मेथी की पट्टी लगा देना, या तो अगर आपको जगह पता चल जाए तो एक दो मेथी दाना लगा देना। घुटने के सामने की ओर है, ठीक है, तो सामने के आपको मेथी दाना लगाना है। ध्यान रखना ये आपको इन और यांग आपको कहाँ मिलेगा, इस तरीके से, ऐसा है, इधर यांग है इधर इन है, ये अंदर है ना, छुप गया, ये अंदर है सेंटर, ये मिडिल साइट है, इन है लेटरल साइट, यांग है, ये ध्यान रखना है। मिडिल लेटरल साइट पता ना हो, बाहर है अंदर, ठीक है, अंदर इन है बाहर यांग। तो इसलिए ये वाला लाइन ध्यान रखना है। और घुटने के कहां पे आएगा, घुटने का कहाँ पे आएगा, मिडिल फिंगर में, अंगूठे वाले साइड में, इस किनारे में, सेंटर में, ठीक है। जैसे ये मान लो पैर है तो पैर के इस लाइन पे आएगा ये वाला, ये लाइन और ये है ना, ठीक है। इन यांग बॉर्डर है ना, ये यांग है, इन है, पैर में है ना, हाथ में बता रहा हूँ, पैर में, ठीक है, मिडिल जॉइंट पे, ठीक। डायबिटीज, डायबिटीज के लिए आपको इसमें पेंक्रियाज पता है ना, पेंक्रियाज स्टैंडर्ड कोरेस्पोंडेंस में कहाँ है पेंक्रियाज? डायबिटीज जिम्मेदार कौन है? पेंक्रियाज डिस्टर्ब, डिसबैलेंस होती है ना, उसमें इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है, आपके सारे उसके जो लेंगर हैंड्स तो काम नहीं कर पाते हैं, तो पेंक्रियाज जिम्मेदार है ना। तो पेंक्रियाज इसमें कहाँ पे है स्टैंडर्ड कोरेस्पोंडेंस में? स्टमक कहाँ पे है? जस्ट पहले इसमें देख लें पेंक्रियाज कहाँ पे, स्टमक यहाँ पे है, जस्ट चेस्ट से नीचे आपकी, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला हिस्सा जो है ना, नाभि से जस्ट ऊपर, ठीक है, एक लाइन की तरह मान ले, यहाँ पे पेंक्रियाज एक पत्ती की तरह होता है, यहाँ पे उसमें इंसुलिन बनती है, सिक्रेशन करता है और आपके शुगर लेवल को डाउन करता है, बैलेंस रखता है, ठीक है। अगर वो डिसबैलेंस हो जाए तो गड़बड़ होती है, ठीक है। तो डायबिटीज के लिए आपको या तो यहाँ पे करना है एडवांस में, आपको ये कि ऑर्गन की प्रॉब्लम है और क्रॉनिक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए एडवांस में भी और बता दूंगा। तो ये वाला हिस्सा पेंक्रियाज के लिए है, यहाँ पे आप कलर लगा सकते हैं उसको एक्टिव करने के लिए। पेंक्रियाज के लिए कलर कौन सा लगाएंगे? ग्रीन लगा, ठीक है, सब मतलब कलर क्लियर है ना, ठीक। जॉइंट्स पे जाए ट्रीटमेंट, वही आपको, जैसे आप एलोपैथी में जाते हैं तो वेरिएशन मिलता है ना, लिगामेंट का है तो ये दवाई, इसका है तो वो दवाई, इसमें आपको उस जगह पे जाना है। लिगामेंट कहाँ पे है, कौन से लिगामेंट है?
बस उस जगह पे जाना है, वहां पे लगा दो मेथी दाना। मैग्नेट का भी मैं आपको बता दूंगा बाद में, और क्लियर हो जाएगा। जितनी जगह है उस जगह के हिसाब से मेथी दें। थायराइड ग्लैंड आपका इसमें कितने आकार में है वो लोकेशन देख के, जितनी मेथी दाना आएगा, तीन तीन चार मेथी दाना आएगा लगा देना, ठीक है। हाँ, फ्लूट कम हो जाती है, साइनोवियल फ्लूट। वो एडवांस में जो मेरिडियन अभी पढ़ेंगे ना उसमें आएगा। और ये हाँ मैम ने भी बोला था, एक जो आपका एक कंफ्यूजन है, जो तत्व आप पढ़े हैं ना, सर ने जो पढ़ाया और मैंने जो यहाँ पे बताया पंच तत्वों का, उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंसेस है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी, ठीक है। देखो, एक आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गया है फीमेल डिजीज का, जो ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से है, तो उसका मैं क्लियर कर देता हूँ क्या करना है। एडवांस में मैं इसको और अच्छे से बता दूंगा। इसके लिए आपको करना क्या है, उस जगह पे जाना है जहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उस जगह पे बहुत ज्यादा पेन होता है लोगों को, बहुत भयंकर पेन होता है। आप मिनटों में उसको ठीक कर सकते हो। मैंने यूनिवर्सिटी में ऐसे हजारों केस आते थे, ठीक है। बहुत बिल्कुल एक मिनट भी नहीं लगेगा आपको उस पेन को रिलीव करने के। दर्द के लिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दर्द के लिए आप मिनटों में ठीक कर सकते हो किसी के दर्द। घुटने भी दर्द भी आया, बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, छूने से भी दर्द हो रहा है, आप उस मिडिल फिंगर को ऐसे दबा दो, मिडिल ज्वाइंट को, ठीक हो जाता है। अच्छे से दबा देना, थोड़ा सा ठीक हो जाता है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए मैं आपको बता दूं, आपका ये है ना, ये लास्ट होता, ठीक। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए आपको क्या करना है, पेन हो रहा हो तो आपके स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस में जगह पता है, ठीक, दोनों पैर हैं, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है, जस्ट उसके ऊपर ओवरी नहीं, यूट्रस होता है, साइड में ओवरी, ठीक है। तो आपको कहाँ लगाना है, पेन कहाँ हो रहा है, पेन का एरिया देखना। पेन आपके नाभि से जस्ट चार अंगुल नीचे बीच में हो रहा है, एक चने का दाना यहाँ पे लगा देना, पूरे यूट्रस को कवर कर लेता है, ठीक है। साइड साइड में दर्द हो रहा है तो चने का दाना आप यहाँ पे क्या, उंगलियों का जो जॉइंट है ना, यहाँ गांठ है, हड्डी उभरा हुआ है सबका, है ना, यहाँ पे चने का दाना लगाएंगे तो टिकेगा नहीं, यहाँ गहरा भाग है, अंदर दब जाता है, तो चना यहाँ टिकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चने का दाना लगाना है, जस्ट चने के बगल में एक एक मेथी दाना दोनों ओवरी के लिए लगा देना। अगर साइड में पेन है तो, साइड में पेन है तो दो मेथी दाना साइड साइड में लगा देना, और थोड़ा सा अच्छे से लगा देना ताकि प्रेस अच्छा हो। जितनी ज्यादा दर्द है उतना यहाँ पे हल्का तेज दर्द कर देना। अगर पेन को तुरंत रिलीव करना है तो थोड़ा जोर से दबा दे, कवर कर लेंगे, ठीक। पेन नहीं लेगा देख के, है ना, सेंटर में है तो आपकी अलग साइड में लगाने की जरूरत नहीं है, सेंटर में पेन है तो केवल एक चने के दाना से चल जाएगा काम। और ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर ही बता दूं कि ये बहुत, अब तक इसका रिजल्ट फेल नहीं हुआ है, अब तक जो मैंने किया है एक भी केस ऐसा नहीं हो जो उसका पेन रिलीफ नहीं हुआ हो, ठीक, तुरंत 1 मिनट के अंदर, और 1 मिनट से ज्यादा भी नहीं लगता पेन रिलीफ के लिए। हाँ, आप बैक की जगह पे जाएं। जब देखो, एक काम ऐसा होता है, पेन का शुरुआत कहाँ से हो रही है, प्रॉब्लम कहाँ है, यूट्रस में, ओवरी में, उस जगह को अगर आप रिपेयर कर रहे हैं तो उसके जो फैला हुआ इलाका है वो भी समेट लेता है, ठीक है। आप जब यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे तो कमर का दर्द भी धीरे धीरे रिलीफ होने लगेगा, आपको सब तरफ से हल्का महसूस होने लगेगा, ठीक है। और अगर रिलीफ ना हो, फिर भी रिलीफ ना हो, एक चने का दाना उसके जस्ट पीछे लगा दे, है ना, जस्ट आपके यूट्रस के पीछे दर्द होता है लोअर बैक में, ठीक है, उस जगह पे एक चने का दाना लगा ले इस गहरे भाग में, ठीक है। बिल्कुल होता है, हाँ बिल्कुल होता है। देखो, शुरुआत प्रॉब्लम की कहां से हुई,
मेंस्ट्रुअल साइकिल से, एक बार ये और क्लियर कर देंगे। इसमें एक चीज और ध्यान से सुने है ना मैम, मैम यहाँ ध्यान से सुने, इसमें आपको क्या होता है, आपको इसमें क्या ओपनिंग नहीं पड़े और हर ऑर्गन की एक रास्ता होता है। जैसे आप लंग्स का रास्ता है नाक श्वास है ना, मुंह कहाँ तक जाता है आमाशय, अगर पेट में समस्या है तो मुंह से कुछ दिखेगा, मुंह में छाले आने लगे, पेट में गड़बड़ है, कलर थेरेपी बढ़िया काम करता है, ब्लैक कलर या ब्लू कलर लगा दें स्टमक कोरेस्पोंडेंस में, मुंह के छाले गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखना कि प्रॉब्लम कहां से दिख रहा है हमें, प्रॉब्लम कहां से दिख रहा है, उस जगह को देख के उसके अंदर तक पहुंचना। लीवर आंख से खुलता है, ये ओपनिंग आप नोट कर लें ज्यादा अच्छा है। आंख में कोई प्रॉब्लम है, चश्मे लगे हुए, आंख का उपचार तो करना ही है, साथ में उस जड़ का भी उपचार करना है जहां से उसको, जहां तक ये जाता है। लीवर आंख से खुलता है, ठीक है। अभी साइंस भी इसको डिफाइन करने लगा है कि विटामिन ए वगैरह की जो आपकी पूर्ति होती है ना, लीवर उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो आंख की समस्या है, लीवर को भी उपचार करेंगे और आंख को भी उपचार करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज है लीवर का लोअर ऑर्फिस जो होता है, जो नीचे का हिस्से के होता है लीवर का, आपके प्रजनन तंत्र होता है, ठीक है ना, मूत्र मार्ग। तो ये आपकी प्रजनन जो होल है उसमें से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लीवर का भी उपचार करेंगे, ये जड़ से ट्रीटमेंट होगा इसके लिए। मैं आपको अगर इसको किसी को क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो उसमें मैं पॉइंट और बता दूंगा आपको एडवांस में, ठीक है। इसलिए अभी जो आपने सीखा है उस हिसाब से आप उस जगह का उपचार कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा पुरानी समस्या है तो फिर आपको कंसल्ट कर लेना, बता देंगे। बिल्कुल, लीवर को भी करना है और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को ठीक करना है। लीवर को अगर उपचार कर देंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल जरूर ठीक हो जाएगा, लगा सकते, बिल्कुल लगाना है, मेथी लगाना है ना सबसे है? बॉडी पेन उस वजह से हो रहा है ना, उस वजह पे जाना, बॉडी पूरे बॉडी में मेथी कहाँ चिपकाएंगे, पूरे हथेली में थोड़े चिपकाएंगे, जगह ध्यान रखना जहां से वो ट्रिगर हो रहा है ना वहां तक, ठीक है, वहां पे जाना उसमें मेथी लगाना। हाँ बिल्कुल, मुंह के अंदर जीभ है, जीभ केवल स्पेशली जीभ में कोई प्रॉब्लम हो है ना, स्पेशली अगर जीभ में कोई प्रॉब्लम हो तो आपको हार्ट तक जाना चाहिए, ठीक है। मुंह में छाले हो, दो तरीके से छाले होते, ध्यान रखना, आपके गाल में होठ में छाले हो जाते हैं, स्टमक की प्रॉब्लम है, ठीक है, हीट स्टमक में ज्यादा हो गया, और टंग में छाले हो जाते हैं, जीभ ऐसे सब तरफ चिपकने लगता है और दर्द होने लगता है, कुछ भी जीभ में टच हो जाए, दांत भी अगर बगल में टच हो जाए जीभ में तो जीभ में बिल्कुल भयंकर पीड़ा होने लगती है, वो आप उसमें अगर स्टमक का करेंगे तो नहीं फायदा होगा, हार्ट का ट्रीटमेंट करना है, हार्ट पे जाके लगा देना ट्रीटमेंट, ओपनिंग है उसका, ये एडवांस में आपको समझ में आएगा। इसलिए ये इसलिए मैं नहीं बता रहा था ताकि आप कंफ्यूज होंगे, आप ये सीख लेंगे तो ये डायग्नोसिस का एक पैटर्न है, आप इससे डायग्नोस कर सकते हो कि जीभ में प्रॉब्लम है तो अंदर कहीं कहां गड़बड़ है ना, जीभ तो बाहरी है पार्ट है एक है ना, उसका कहीं ना कहीं तो कनेक्शन होगा अंदर, ठीक है। तो एनर्जी लेवल पे जो कनेक्शन होती है ये फिजिकली आपको कनेक्शन कहीं नहीं मिलेगी, पूरे मेडिकल साइंस छान मार लो, पूरी वर्ल्ड घूम लो, कहीं नहीं मिलेगा कि आपकी फिजिकली कोई कनेक्शन है क्या हार्ट से जीभ का, कहीं नहीं मिलेगा एनर्जी, क्योंकि एनर्जी दिखता नहीं है, आपके बॉडी में एनर्जी सर्कुलेशन जो होता है उसके संबंध होता है टंग का हार्ट से, ठीक है। आप ये एनर्जी साइंस देखेंगे, एक्यूप्रेशर वगैरह, एक्यूप्रेशर है, इस साइंस में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे जीभ का कनेक्शन हार्ट से, ठीक है, एडवांस में जब जाएंगे तो। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको डायग्नोस करने में सरल होगी, रोग को पहचानने में सरल होगा, टंग हो गया हार्ट लिख ले
तीसरा है लीवर, आंख और वेजाइना, ठीक है, लीवर, आंख और वेजाइना, यूट्रस ओवरी वगैरह है, लीवर से कनेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपके यूट्रस ओवरी में और आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ब्लीडिंग कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ठीक है, पेनफुल ब्लीडिंग है, ये सारी समस्याओं के लिए लीवर जिम्मेदार होता है। और उसकी वो तो केवल एक सब डिविजन है लीवर के हिसाब से, एनर्जी लेवल पे, ठीक है, लीवर का, है ना, ये हो गया लीवर का। किडनी यूरिन प्रोडक्शन करता है, निकलता कहां से है, यूरेथ्रा से, ब्लेडर, उसके बाद यूरेथ्रा। अगर आपकी यूरिन में इंफेक्शन है, श्योरली ब्लेडर जिम्मेदार है, यूरिनरी ब्लेडर जिम्मेदार है, लेकिन उसका जड़ का उपचार करेंगे तो किडनी तक जाना पड़ेगा। अगर क्योर करना है पूरी तरह से, किडनी तक पहुंचना पड़ेगा। ब्लेडर में आप यूरिन इन्फेक्शन है तो आप यूरिन इन्फेक्शन है मतलब कि क्या करेंगे, गर्मी ज्यादा होती है ना, मतलब बर्निंग हो रहा है यूरिन में, अगर बर्निंग हो रहा है, जलन हो रहा है, तो जलन किससे होगी, अग्नि से, अग्नि बढ़ा हुआ है, अग्नि को कम कौन करता है, जल, आग बुझाना है तो जल डालना पड़ेगा। जल का कलर क्या है, ब्लैक या ब्लू, ब्लैक लगा ले ज्यादा अच्छा है, ठीक। जितनी ज्यादा ऊपर से देखते हैं पानी को, उतना ब्लैक दिखने लगता है, गहरे कुएं को देखोगे तो ब्लैक दिखता है, तालाब का पानी देखोगे, झील का देखोगे तो सुपरफिशियल है, ब्लू दिखता है, जितना डीप इलाज करेंगे उतना डीप कलर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लैक से, ब्लू से ब्लैक पे जाना पड़ेगा, ब्लैक कलर लेना, बिल्कुल। आप लोकेशन के बारे में अब तो मुझे अब क्वेश्चन ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप सबको पता है लोकेशन, क्योंकि सर ने भी पूरा क्लियर कर दिया, मैंने भी आपको और भी कुछ उसमें बताया, तो लोकेशन तो आपको पूरी पता है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। रेड रेड होके उभर जाता, पित्ती उछलना, अर्टिकेरिया बोलते हैं जब गर्मी में ज्यादा होता है और अंदर की हीट बढ़ जाती है तो ज्यादा होता है ना, अर्टिकेरिया बोलते हैं, नाम सुने होंगे। खुजली भी बहुत ज्यादा होने लगती है ना, तो गर्मी में निकलोगे तो जलन भी होगी, है ना, तो ये अर्टिकेरिया होती है। वो स्किन की प्रॉब्लम तो दिख रहा है, लेकिन वो हमारे अंदर की समस्या है। आपके ब्लड अगर एसिडिक ज्यादा होता है तो ये समस्या होती है, ठीक है। एल्कलाइन चीजें आप उसमें खाना शुरू कर दें, ठीक है, एल्कलाइन चीजें खाना शुरू कर दें, और इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट, ब्लड से रिलेटेड। सबसे ज्यादा जो लिवर ब्लड को स्टोर करता है, और लिवर हमारे सारे केमिकल फैक्ट्री है, एसिडिक कंट्रोलिंग पावर उसके पास है, सारे केमिकल का प्रोडक्शन करता है और सिक्रेशन भी करता है, तो लिवर पे जाना पड़ेगा आपको, लिवर को सही कर दें तो फिर आपकी एसिड बैलेंस होने लगेगा, ठीक है। दाने मुंह में होते हैं, एक्ने, पिंपल्स, हाँ, व्हाइट पॉइंट जाने होते हैं। आप एक ब्यूटी ट्रीटमेंट आपको बता दूं, कलर से, है ना, आप क्या करना, कोई भी दाग धब्बे वगैरह चेहरे पे होता है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ठंडा करना चाहिए ना। तो आप फेशियल कोई कराते हो, आइस वगैरह, ये बहुत सारे खीरा वगैरह क्या क्या डालते रहते हैं ना, है ना, तो आप बिल्कुल आप एक्यूप्रेशर में फेशियल करा सकते हो। इसको आप ब्लैक कलर लगा देना पूरे चेहरे में, ध्यान रखना, है ना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ब्लैक कलर कोल्ड होता है ना, जिनको सर्दी जुकाम हो प्लीज उसमें नहीं लगाना, है ना, ठीक है, नहीं तो ब्लैक कलर का असर जिस समय हो रहा है, सर्दी जुकाम है वर्तमान में तो छोड़ देना उस दिन तक, सर्दी जुकाम ठीक हो जाए लगा सकते हो, है ना। गर्ल्स बॉयज दोनों लगा सकते हैं, इसमें हंसने की बात नहीं है ना, ब्यूटी तो सबको चाहिए ना, ठीक है। हाँ, एक इसको मैं क्लियर कर दूं फिर, है ना, खाते खाते अलसाना, हाँ, ये आजकल ये होता है, खाते खाते थक जाते, मतलब जैसे भूख तो, हाँ एक बट, हाँ इधर ध्यान दें, है ना, हो सकता है ये सबकी समस्या हो ना, किसी एक की समस्या में पड़ना,
तीन चार मेथी दाना की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, केवल एक मेथी दाना लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, जो ये पार्ट है ये मैंने मिटा दिया है, तो आप ये सेंटर में जाना, ये मिड लाइन है, मतलब ये सामने वाला है, बिल्कुल बीचों बीच है ना, ये वाला, ये इनयांग बॉर्डर है, ये फ्रंट वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये बीच लाइन है, ठीक है, बीच लाइन को छोड़ के थोड़ा सा ऊपर की ओर, यहाँ पे इतना इसको ले लें और यहाँ पे ले लें, एक मेथी दाना यहाँ पे लगा लेना इस जगह पे। इसको आप P6 के नाम से जान सकते हो, अभी मेरिडियन आप उसमें चार्ट में देखना, P6 पेरिकार्डियम का छठवां नंबर बिंदु, ठीक है। P6 चार्ट में देख लेना और क्लियर हो जाएगा। इसमें चित्र में इधर उधर हो सकता है, चार्ट में बिल्कुल लपातुला है, और उसमें अपने उंगलियों में भी पूरा का पूरा नाप के बना लेना, कितने पॉइंट कितने दूर में, जॉइंट को देखते हुए नाप लेना, इस जॉइंट से इस जॉइंट में कितने पॉइंट है, कितने डिस्टेंस में, कितने कितने दूरी में, सारा देख लेना, ठीक है। उलझ जाना आगे, एक पॉइंट से हो जाएगा, ठीक, एक मेथी दाने से उलझना बंद हो जाएगा। क्या हाँ, आप मैसेज में ले ले उनको, आप मुझे बोल देना, तो इसमें क्या पूछेंगे ना तो दिक्कत होगी। मैसेज में पूछे हैं, हाँ बिल्कुल, आप या कागज में लिख के दे दें या तो आप बोल दें मुझे, है ना। एक एक मिनट इसको पूरा कर देता हूँ, फिर उसको ले लूंगा, ठीक। खाते खाते समझ रहे, वो उलझना ये सबके पास आता है, तो आप देख लेना P6 एक पॉइंट लगा देना, एक सौ क्लियर कर दो फिर, है ना। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आती है, देखो ये गैस्ट्रिक सर्व जो बहुत बड़ा है, गैस्ट्रिक मतलब बहुत बड़ा है, यानी कि माउथ से लेकर रेक्टम तक पूरे 32 फीट लंबी लाइन का आपने सवाल पूछा है, तो इसलिए ये इसको आप डिवीजन करें कि गैस्ट्रिक किस टाइप का है। गैस्ट्रिक ट्रैक जो है ना बहुत लंबा है, इतनी लंबी तो हम पैदल चलेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, है ना। तो इस लंबी लाइन को थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं मुझे कि क्या हो रहा है। गैस बनना ये भी बहुत बड़ा है, गैस बन तो रहा है लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ कर रहा है, लोअर एब्डोमेन में, अपर एब्डोमेन में, मुंह से निकल रहा है कहाँ? गैस पास नहीं होती, पेट में दर्द होता है तो लोअर एब्डोमेन में है, डायरेक्ट वहां पे जाएं इंसेक्ट कोरेस्पोंडेंस में और उसके इंटेस्टाइन में। बड़ी हाथ की जिम्मेदारी होगी, छोटी हाथ की जिम्मेदारी, इसमें मेथी का 4-5 दाना लगा दें। आपको लोकेशन पता है ना, छोटी आंत और बड़ी आंत का, बस उसको ध्यान रखना। खट्टी डकार आती है, वो स्टमक में ऊपर की ओर आपको प्रॉब्लम होने लगी है, अपर ट्रैक में प्रॉब्लम होने लगी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको स्टमक पे जाना है, ठीक है। आपके ग्राइंडर खराब हो जाते हैं, पत्ती वत्ती जैसे आप ग्राइंडिंग करते हैं ना, उसमें चोक हो जाते हैं, काफी जम जाता है, आप अच्छे से साफ नहीं कर पाते, तो जाम हो जाते हैं, ब्लड घूमता नहीं है, तो भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि आपके स्टमक की ब्लड घूम नहीं रहा हो, जैसे आपके उसमें जो पाचक रस वगैरह सही ढंग से क्लियर नहीं हो पा रहा है, या तो आप खाने का टाइम ध्यान नहीं देते हैं, कभी खा लिया अब 11 बजे, कभी खा लिया 2 बजे, है ना। ये टाइम सेट कर देंगे तो ये अपने आप बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो गया, बाहर की जो ब्रह्मांडीय क्लॉक है ना, जैसे घूम रहा है सूर्य अपने समय पे उगता है, चंद्रमा भी अपने घट बढ़ के समय से उगता है ना, हर निश्चित समय होता है हर व्यक्ति हर चीजों का, प्रकृति का, वैसे हमारा शरीर का भी टाइम फिक्स कर दे सबसे बेटर है, ठीक है। एसिडिटी वो भी बता रहा हूँ, एसिडिटी जैसे गैस्ट्रिक ट्रबल का ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, इसको अलग अलग सेक्शन में मैं बता देता हूँ। अगर एसिडिटी हो रहा है तो पहले भी बता चुका हूँ क्या करना है, अग्नि बढ़ा हुआ है, गले में जलन होने लगा है ना, खट्टा खट्टा पानी भी आने लगता है, भूख कम लगती है, इसमें भूख कम लगना ये दोनों में रहता है, हाइपर एसिडिटी और हाइपो एसिडिटी, दो नाम सुने होंगे आप, हाइपर एसिडिटी और हाइपो एसिडिटी, दोनों अलग अलग हैं, लक्षण बहुत लगभग लगभग सेम है, गले में जलन हाइपो में भी होता है, हाइपर में भी होता है, भूख ही एक ऐसा चीज है जो दोनों को डिफरेंट करता है, भूख एक में कम लगती है एक में ज्यादा, ज्यादा किस में लगता होगा, हाइपर में, है ना। जब एसिड ज्यादा बन रहा है, अग्नि ज्यादा जल रहा है, जो कुछ डाले खत्म हो जाता है, फिर एक घंटे में फिर भूख लगने लगती है, ऐसा कभी होता है क्या, खूब पेट भर के खा लिया
फिर 1-2 घंटे में भूख शुरू हो जाती है, फिर खाना मांगते हैं आप, फिर खा लेते, फिर पच जाता है, फिर खाते हैं। दिन भर ये सिलसिला चलती रहती है, भूख खत्म ही नहीं होता, लेकिन शरीर को देखो तो बिल्कुल सिकुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये समस्या हाइपर एसिडिटी में होती है, भूख ज्यादा लगता है। लेकिन अगर हाइपर एसिडिटी अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, गले में जलन आता है, हाइपो में भी आता है, ठीक है, खट्टे खट्टे पानी आते हैं, हाइपो में भी आता है, हाइपर में भी आता है, ठीक, दोनों में आते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको एक चीज ध्यान रखना, भूख कैसा लगता है, भूख कम लग रही है, हाइपो एसिडिटी है, उसका ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, मेथी से करेंगे तो दोनों जगह का सेम है, स्टमक पे जाएं कर दे ट्रीटमेंट। और उसका जो ट्रबल होती है ना, छाती पे होता है, जलन तो आपके यहाँ पे होते हैं ना आइसोफेगस में, तो इसको भी ट्रीटमेंट करना है जलन कंट्रोल करने के लिए। आप यहाँ पे P6 बताया था ना, उलझना है ना, खाने उलझने के लिए P6 एक मेथी दाना लगा देना। ठीक है, ये P6 का बहुत बड़ा रोल है, सारे नर्व पेरिकार्डियम, मैंने बताया था ना कि किसका ट्रीटमेंट करते हैं, ब्रेन का, आपके नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल कर देता है, हिचकी वगैरह आना भी, ये भी कंट्रोल कर देता है। ठीक है, खाना खाते खाते आपको हिचकी आ जाती है तो आप क्या करना है, ये भी एडवांस का है भी, इसमें कोरिलेट नहीं करना है ना, इसको अलग से मैं बता रहा हूँ, ये इसको ऐसे थोड़ा सा आप खाना खाते हो तो एक हाथ में खाना खा रहे हैं, कैसे पकड़ेंगे, चम्मच में खा रहे हो तो ठीक है, दूसरा हाथ फ्री है, चम्मच छोड़ के आप दबा सकते हो ऐसे, ये अंगूठे के किनारे कोने में, इस जस्ट कोने में इसको ऐसे दबा देना, 8-10 बार दबाएंगे हिचकी बंद हो जाएगी, खाते खाते फंस जाते हैं गले में ना, हिचकी आती है ना, वो हिचकी ठीक हो जाएगा। स्मॉल फिंगर के नाखून के कोने में एक मेथी दाना लगा देना, मेरिडियन देख लेना चार्ट में, बॉडी मेरिडियन देखना, छोटी उंगली में हार्ट मेरिडियन चलता है, H9 लिखा होगा, H9 वहां पे एक मेथी दाना लगा देना, अगर आपको बार बार ऐसे हिचकी आती है तो। ठीक है, एसिडिटी का समझ में आ गया, हाइपो एसिडिटी है तो कलर का उपयोग करेंगे, क्या, रेड कलर स्टमक में, हाइपो एसिडिटी हो, भूख कम लग रहा हो तो रेड कलर स्टमक में, अग्नि को बढ़ाने के लिए, जठराग्नि अगर बढ़ाना है तो रेड कलर, ऑरेंज नहीं लगाना, अग्नि को बढ़ाने के लिए ऑरेंज भी करते हैं ना, तो उबालने के लिए होता है, आपको उबालना नहीं है, है ना, गर्म करना है उसको। ठीक है, तो उसको गर्म करने के लिए आपको रेड कलर का यूज करना है स्टमक कोरेस्पोंडेंस में, अगर भूख ज्यादा लग रही हो तो ब्लू या ब्लैक। ठीक है, बार बार आप खाते रहते हो पच जाता है, फिर खाते हो पच जाता है तो ब्लू कलर लगा देना या ब्लैक कलर लगा देना, बैलेंस हो जाए तो लगाना छोड़ देना, नहीं तो फिर वो और डाउन कर देगा। ठीक है, ये पूरा कर, खराटे आना हो सकता है, आप अपने पेयर से प्रॉब्लम होते हो या आपके आसपास के मम्मी पापा हो या खराटे लेते हो तो प्रॉब्लम आती है, खराटे लेने के लिए क्या करेंगे, नोज में लगा सकते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, खराटे लेने के लिए नोज का पॉइंट यूज करें, एक मेथी दाना वहां पे लगा लें। दूसरा चीज है, खराटा क्यों आता है, आपकी ये यहाँ के जो मसल है ना वोकल कार्ड का, वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, तो जब आप सीधा सोते हैं ना, और कभी कभी क्या होता है, जीभ भी थोड़ा सा अंदर की ओर झुक जाता है सीधा सोने से, तो क्या करता है, जब श्वास आप बाहर आता है तो फटफड़ फटफड़ फट करता है ना, खर करके आवाज आती है, जब अंदर लेते हैं तो भी वो हिलता है जीभ, वहां पे फंस जाता है ना गले में, तो फिर आवाज आने लगती है, तो उसको मजबूत करने के लिए आपको इस जगह का उपयोग करना, वोकल कार्ड को ठीक करने के लिए उस जगह पे लगा देना, एक नोज पे और एक वोकल कार्ड पे। ठीक है, वोकल कार्ड मतलब कहाँ पे, थायराइड के जहां प्रॉब्लम थी ना, थायराइड के लिए पॉइंट जो हम लगाते थे सब वही पॉइंट। ठीक है, जगह थोड़ा बड़ा है, 4 लगा देना। ठीक है, स्किन की प्रॉब्लम, देखो स्किन की क्राइटेरिया, स्किन पूरे बॉडी में फैला हुआ है ना, उसको आप, आपके सोच में आ रहा होगा कि हम पूरे हाथों में लगा दें, है ना, ऐसा सोच आ रहा है ना, तो हमने तो पढ़ा है कि जहां है वही लगाएं, तो पूरे शरीर में स्किन की प्रॉब्लम है तो कहां लगाएं, स्टमक क्यों, ऐसा है तो स्टमक में लगा सकते हो, होता है डाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से भी होता है ये, थोड़ा स्किन का भी
मेरे ख्याल से इस क्लास में न करें तो ज्यादा अच्छा है, ये बहुत बड़ा है, ये एडवांस में काम आएगा, एडवांस के लिए आप बचा के रखें इसको, अगर लेंगे तो फिर समय बहुत ज्यादा लगेगा और स्किन का वेरिएशन भी, डिजीज भी बहुत बड़ा बड़ा अलग अलग पार्टीशन में आ जाता है, तो इसको अलग से पूछ लेना, मैं एडवांस के पॉइंट बता दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट उस पॉइंट पे आपके पास चार्ट है, उस चार्ट को क्लियर कर लेना, पॉइंट में बता दूंगा, डायरेक्ट लगा देना इसको, इसको यही मैटर क्लोज कर देते हैं स्किन का, है ना। स्किन का और भी हो तो न पूछें, ठीक है। एडवांस में मैं, आप ग्रुप में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, पॉइंट भेज दूंगा, ठीक है। दांत खुजली ये भी स्किन की है तो उसको भी थोड़ा सा साइलेंट रखें, है ना। हाँ, लेकिन इसमें आप, इसमें अगर उपचार करना चाहें तो कर सकते हैं। एक तो अगर स्किन रफ है, स्किन ड्राई है, लंग्स का उपचार करना चाहिए, जो ओपनिंग है ना, ओपनिंग में लिखने स्किन लंग्स के, ठीक है। अभी करेंगे उसका, है ना। स्किन का आप अलग से पूछ लेना ग्रुप पे, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये नॉर्मल लास्ट का कौन से क्या लिखे हैं मैम, नॉर्मल, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सब, वो बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं बताऊंगा आपको, है ना। ये इमरजेंसी में लेने वाला था, आपको बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा, क्लियर। हाँ, इनका तो हो गया, अब आप, अब मैं, आप पूछे। हाँ बिल्कुल, एडवांस में भी बता दूंगा, लेकिन इसमें भी आप उसका उपचार कर सकते हैं। ओवरियन सिस्ट है ना, मल्टीपल सिस्ट आजकल होने लगे हैं, बहुत सारे सिस्ट छोटे छोटे दानेदार हो जाते हैं, वो आपके ओवरी में, यूट्रस में भी होने लगते हैं, ठीक। ओवरियन, ओवरियन सिस्ट है ना, तो उसको, उसमें कहाँ उपचार करेंगे, लोकेशन पता है ना आपको, ओवरी का लोकेशन पता है, उस जगह पे, ठीक है, है ना। यूट्रस का भी उसमें ले लेना, कनेक्ट रहता है यूट्रस का ओवरी से, तो यूट्रस में पीसीओडी का भी यूट्रस ओवरी में ले लेना, है ना। है? चना मेथी आपके पास है, ध्यान रखना, आप आवाज नहीं करना ना, देखो ये कैमरा के साथ रहना पड़ेगा, है ना। देखो ऐसा है, आप चना और मेथी का बार बार नहीं पूछना, आप जगह देख लेना, जैसे हथेली के पीछे लगाना है, अगर यहां पे लगाना है, अगर स्टैंडर्ड कोरेस्पोंडेंस में लगा रहे हैं तो चना लगा दो, उंगली में लगाने चना काम नहीं आएगा, मेथी काम आएगा, ठीक है। हथेली में लगा रहे हैं, नाभि को सेट करना है, नाभि जैसे खिसक जाती है, चना लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पे मेथी उतना ज्यादा प्रेस नहीं कर पाता, एग्जैक्ट पॉइंट बताऊंगा, मेरिडियन पढ़ेंगे तो केवल मेथी का उपयोग करना है, चना नहीं करना, मैं बता दूंगा, है ना। जो चार्ट उस आपको भेजा है ना, उसमें अगर यूज करना है तो केवल मेथी लगाना है ना, एक पिन पॉइंट पे लगाना है, तो इधर भी सब तरफ भी मेथी ही लगाना है, ठीक है। और जगह देखना, अगर आपको हार्ट में एक लगाना है, पूरे हार्ट को कवर करना है एक, तो बड़ा जगह है, एक मेथी से काम नहीं चलेगा, आप चना लगा दो। अगर मेथी लगाना है तो आपको उस डीप तक पहुंचना पड़ेगा, एग्जैक्ट लोकेशन उस एरिया तक, हार्ट के भी बहुत सारे सेक्शन बना के उस एक सेक्शन में ट्रीटमेंट करना है, तो चना काम नहीं आएगा, मेथी। आप कितनी जगह में पहुंचे हैं उस जगह के हिसाब से ये मटेरियल यूज करना, ये बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, समझ गए, है ना। और तो क्लियर, अभी बताऊंगा उसको। हाँ ठीक, रात को नींद में बोलना, ठीक है, बिल्कुल। वो क्यों होता है ऐसा, नींद में बोलने का मतलब है कि आपका शरीर तो सोया हुआ है, ये एक्टिव है, तो ब्रेन तक पहुंच गए आप, ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा, सिंपल सी बात है। ये देख रहे हैं ना इसमें, ठीक, इसमें क्या करना है, आपको एक मेथी का दाना आपको टॉप में लगा देना है, सबसे ऊपर। दूसरी चीज है, जस्ट अंगूठे के पीछे, नाखून के जस्ट नीचे चार पांच मेथी का दाना यहाँ पे लगा देना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, ब्लैक कलर का ये हम उसमें न करें, ज्यादा अच्छा है। ब्लैक कलर तब यूज करेंगे जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो,
अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अगर नींद नहीं आ रहा है तो ब्लैक कलर लगाना काम आ सकता है। ब्लैक कलर लगा के आप मेथी लगा लो, फिर मैग्नेल लगा लो, ऐसा नहीं करना, केवल एक यूज करना, ध्यान रखना। कोई भी करते हैं तो केवल एक का यूज करना है, कलर करो तो कलर, मेथी करो तो मेथी, मैग्नेट करो तो केवल मैग्नेट। मैग्नेट बताएंगे बात, हाँ, मैम का पूरा क्वेश्चन पूरा कर दे। हेयर फॉल और डेंड्रफ, देखो डेंड्रफ हमें जो, ये थोड़ा सा एडवांस का क्वेश्चन है मैम, लेकिन फिर भी मैं इसमें कोशिश करता हूँ बताने का। डेंड्रफ, ये डेंड्रफ कोई बीमारी नहीं है, ये ध्यान रखना। आपके जब मौसम ठंडे होते हैं ना तो आपकी स्किन सिकुड़ जाती है, और जनरली हम बॉडी का तो स्किन को जो डेड सेल है उसको साफ करके या रगड़ के या कोई से भी चीजों से ऑयल वगैरह करके वो साफ करके निकाल देते हैं, स्किन क्लियर हो जाता है। रफनेस जो आती है ना आपके बॉडी में भी आती है, जिस पार्ट में आपका रफनेस आप उसके मॉइस्चराइजर नहीं दे पाते हैं वहां पे डेड सेल को निकाल नहीं पाते हैं, तो डेंड्रफ वो वहां पे पड़ा पड़ा बना रहता है, उसको निकाल नहीं पाते। बीमारी नहीं है, ध्यान रखना, ये डेड सेल है, उसको हटाना है बस हमें। उसके लिए सिंपल सी बात है, उसके लिए अगर इसमें अगर कौन से ऑर्गन जिम्मेदार है, लंग्स, ठीक है, लंग्स का उपचार करेंगे, इसमें एडवांस ट्रीटमेंट करेंगे। आप सिंपली आप यहाँ लंग्स पे उपचार कर सकते केवल डेंड्रफ के लिए, और मैं ग्रुप में आप डेंड्रफ के लिए और अलग से पूछ लेना, याद दिला देना, तो टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा उसमें, है ना, ठीक है। और हेयर फॉल के लिए, अच्छा दो मुंह बाल हो जाते हैं ना, एक बाल का दो मुंह हो जाता है, लास्ट में जाके दो छोर बन जाते हैं या तीन चार छोर बन जाते हैं, उससे ज्यादा परेशान होंगे आप लोग। लड़कों को तो दिक्कत ही नहीं है, 10-15 छोर बन जाए तो कोई मतलब नहीं है, ज्यादा घना दिखेगा, लेकिन लड़कियों का लंबा रखना है और लंबा रखने के बाद फट जाते हैं तो लंबा हो ही नहीं पाते, है ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो दो मुंह बाल होते हैं उसके लिए भी आपके लंग्स जिम्मेदार है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल पहुंच नहीं पाता ना आपके पूरे बॉडी में, तो बालों को भी ऑक्सीजन की सप्लाई जरूरत पड़ती है उसके पोषण के लिए, तो आपको ऑक्सीजन लेवल सप्लाई करने के लिए आपके लंग्स को मजबूत करना है। और ऑक्सीजन ज्यादा इंटेक कौन करता है, हमारा फेफड़ा, अगर वो वर्क अच्छा करे, बढ़िया ऑक्सीजन सप्लाई करेगा बॉडी में, है ना, लंग्स का ट्रीटमेंट कर लेना, ठीक है। हेयर फॉल के लिए ध्यान रखना, हेयर फॉल ये लंग्स भी जिम्मेदार होते हैं, अगर आप दो मुहे बाल हो के बाल भी झड़ रहे हैं तो लंग्स के साथ आपको लीवर का भी उपचार करना है। लीवर बालों के लिए काम आता है, केमिकल फैक्ट्री है, सबसे बड़ा केमिकल फैक्ट्री, हीटिंग पावर देता है आपका लीवर, सबसे ज्यादा ब्लड का स्टोर भी करता है, लगभग लगभग 2-2.5 लीटर ब्लड अपने पास लीवर स्टोर रखता है, ठीक। इस क्वेश्चन को पूरा कर दे फिर करेंगे, एक क्वेश्चन पूरा हो गया। प्रश्न आप ऐसे पूछने से अच्छा है आप पूरे लिख लें कागज में और दे दे, मैं सारा क्लियर कर दूंगा। हाँ, ये हेयर फॉल के लिए आपको लीवर का ट्रीटमेंट करना है, एक मिनट, कितने क्वेश्चन है, एक मिनट करूं, इनका इनका देख लेते हैं, 5 मिनट में इनका क्वेश्चन ले लेते हैं ऑनलाइन वालों का, है ना, फिर आपका। हाँ जी मैम बताएं, आप लोग शांत रहे थोड़ा सा, है ना, क्योंकि टाइम आपका ज्यादा लगेगा, आपका भी क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, इसलिए जो एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो बाकी लोग शांत रहे तो क्वेश्चन सबका क्लियर होगा। टॉन्सिलाइटिस के बारे में आपको, इसमें सर्दी जुकाम में आपको कवर कर लिया था, टॉन्सिल कहाँ पे होती है ये जगह देखना, ये टॉन्सिल है, टॉन्सिल तो 5 होते हैं, ठीक, कौन से टॉन्सिल में प्रॉब्लम है ये ध्यान रखना है, ये दोनों, अगर यहाँ के टॉन्सिल में सूजन है तो आपको कहाँ जाना है, थंब पे जाना है, और उस जगह पे जैसे टॉन्सिल तो साइड में होता है तो उस वहां पे जाके प्रोब को चलाना ऊपर नीचे, जो राउंड शेप में आपके पास जिमी है, या तो ऑनलाइन वालों के पास शायद अवेलेबल नहीं होगा तो पेन से कर सकते हैं या कोई भी राउंड शेप वाले चीजों में कर सकते हैं, पेन नुकीला पेन से नहीं करना है, ध्यान रखना है इस जगह पे और इस जगह पे, तो ये थायराइड ग्लैंड है ना जस्ट उसके ऊपर यहाँ पे होता है, ये सूज जाती है ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन वगैरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, ये कंट्रोल करता है, अंदर जाने नहीं देता बैक्टीरिया वायरस को, रोकता है, ये मजबूत होना जरूरी है, अगर ये इसमें अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, सूजन आ जाता है, तो यहाँ पे 2 मेथी दाने में काम चल जाएगा, अगर एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच गए तो, नहीं पहुंच पाए तो 3-4 मेथी दाना लगा देना, धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन करेगा, एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचे तो तुरंत काम करेगा, ये पक्का है, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन है, उनका पूरा कर दे, मस्से हो जाते हैं, देखो वो मस्से हो जाना वो मांस की विकृति है,
और ये पैरासाइट वगैरह होते हैं ना, उसकी वजह से भी जो हमारे शरीर को खोखला करने लगते हैं, उसकी वजह से उसका इसमें अभी न करें तो ज्यादा अच्छा है उसके लिए थोड़ा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इतनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक इंटरवल ले लेते हैं, आप भी थक गए होंगे ना, देखो पैर फैलाना पड़ रहा है, कोई इधर झुक रहा है, कोई उधर झुक रहा है, तो 10 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं। आप थोड़ा पूरी एनर्जी से पूरा फुल क्वेश्चन ले आना, मैं बता दूंगा। हाँ, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछना मत, लिख के देना है। ये यहाँ पे रखिए।